मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद और मालेगांव बम धमाके की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर कोर्ट में दलील दी कि वो खराब सेहत की वजह से पेश नहीं हो सकती हैं। उनके वकील ने मुंबई के ट्रायल कोर्ट को बताया कि प्रज्ञा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक इवेंट में पहुंची थी। यह इवेंट महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर आयोजित किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बुधवार को ईद के मौके पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर कुछ बीजेपी नेताओं के साथ भोपाल में शहर काजी मुश्ताक अली नदवी से मिलने पहुंची थी। प्रज्ञा ने उन्हें मिठाई और ड्राई फ्रूट्स दिए, जिसके बाद शाम को उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन गुरुवार सुबह वो डिस्चार्ज भी हो गई। प्रज्ञा ठाकुर को गुरुवार तक मुंबई ट्रायल कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचना था। पिछले महीने कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हफ्ते में एक बार पेश होना होगा। इससे पहले भी प्रज्ञा के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि वो स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट नहीं आ सकती हैं। कोर्ट के आदेश के बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पूरे हफ्ते पेश ना होने के लिए एक अपील दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद गुरुवार को प्रज्ञा के वकील ने तबीयत ठीक ना होने की दलील दी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ एक दिन का समय देते हुए कहा कि प्रज्ञा को शुक्रवार तक कोर्ट में पेश होना होगा। इसके अलावा उनके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को भी कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के दूसरे आरोपी सुधाकर धर द्विवेदी को भी पेश होने के निर्देश दिए हैं। द्विवेदी ने कोर्ट में अर्जी देते हुए कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर के खीर भवानी महोत्सव में शामिल होना है। उसने दलील देते हुए कहा था कि यह एक धार्मिक कार्यक्रम है जहां उसका होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।